वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस का कैसे सवाल, जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा। सिनेमा का पीछे का सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस के अंतिम हार हुई? तो इसका आंसर होगा ट्राफलगर की लड़ाई। ट्राफलगर की लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं, प्रोटीन का उदाहरण है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, लिखा है सामान्य शंभु मशल का वसा एक लिश्लिष्ट पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है, वो किसका यूज किया जाता है? तो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल एनिलिन इसका राइट आंसर होगा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जुरैसिक काल है, उसका माना गया पूरी तरह से काल तैयार वृक्षीय फॉसिल वो छत्तीसगढ़ में माना पाया गया है। तो राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली में प्रथम उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिक प्रणाली में सबसे जो प्रथम उत्पादक होते हैं वो होते हैं पादप, प्लांट्स। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति में लोकसभा का उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है। इसमें बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो इसमें कौन सा ही आंसर हो सकता है? तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि वो सांसद का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा है, उपराष्ट्रपति जो होता है सांसद का नहीं होता है सदस्य। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पे आधारित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुई वो साइमन कमीशन पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए क्या घटक की आवश्यकता होती है? तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, मैदा और खमीर जरूरत है, मैदा और ईस्ट, ईस्ट से ही बनता है ब्रेड, तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो बोल रहा है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की जो बर्लिन में स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो ऑप्शन देखिए, इसका नाम है चंपा कर्मन पिल्लई, जो 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किए थे। तो 1914 में याद रखिएगा, राष्ट्रीय दल की, भारतीय राष्ट्रीय दल का बर्लिन में स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो चंपा कर्मन पिल्लई थे। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो एक मच्छर के द्वारा, उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? यानी कि वैसा कृषि जिसमें मृदा नहीं हो, मृदा रहित बोलेंगे उसको, जिसमें मिट्टी नहीं होती है उसको बोलते हैं जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि सिर्फ जल से वो कृषि किया जाता है, बिना मिट्टी का कृषि उसको बोलते हैं जल संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा लीवर में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो अनिवार्य घटक है वो नाइट्रोजन अनिवार्य घटक नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? इसमें हो जाएगा, इसके पहले था कि लीवर किसका, तो लीवर में प्रोटीन पाया जाता है। बोल रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य है, तो इसमें प्रोटीन नहीं होगा, नाइट्रोजन विटामिन होगा। तो राइट आंसर इसका विटामिन हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ये हो जाएगा विटामिन, नोट प्रोटीन्स। लीवर के लिए प्रोटीन्स, नाइट्रोजन के लिए घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन के लिए विटामिन घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो मैक्सवेल ने,
विद्युत चुंबकीय स्वरूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का खोज करने वाले मैक्सवेल थे। नेक्स्ट, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल गवर्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भास काल किस पर निर्भर करता है, यानी कि फोटोग्राफर फोटोग्राफ लेने के लिए किस पर डिपेंड करता है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पदार्थ की चमक, फोटोग्राफ की कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ की आकार। तो राइट आंसर इसका बनेगा ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पदार्थ का चमक, यानी कि जो हम लोग कैमरा लेते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका चमक कितना है, तो पदार्थ की चमक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था और किसके विरुद्ध लड़ा था? याद रख लीजिएगा, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। किसके ओर से? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो जर्मनी के साथ लड़ा था, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये तो याद रख लीजिए, 1950 इसका सही आंसर है। योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न देश शब्द, सॉरी देश नहीं शब्द, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा दिया गया है, इंद्रधनुषी गठबंधन। इस राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन उसका किसने दिया? तो बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। जहां से रेडियो तरंग परावर्तित करती है वो होता है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्त नहीं होता, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है नमक का ज्यादा सेवन करने के बाद भी है, वो है जानवर ऊंट। ऊंट कितना भी नमक भारी मात्रा में सेवन करे लेकिन उसको हाई बीपी नहीं होता है, तो राइट आंसर ऊंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय विदेशी विनिमय भंडार में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि भारतीय विदेशी विनिमय भंडार में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला है आरबी द्वारा नियंत्रित विदेशी मुद्रा, नहीं ये विदेशी तो मुद्रा तो भारतीय विदेशी में आ ही गया। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ ऑप्शन, आरबीआई के स्वामित्व वाले स्वर्ण, नहीं स्वर्ण तो है ही है विदेशी में, आरबीआई वाले चांदी यानी कि स्वामित्व वाले सिल्वर को विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट है, मजदूरों का वह संघ जो विभिन्न वेतन दरों पर रोजगार के लिए स्वयं उपलब्ध होते हैं उसको कौन, उसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं श्रम पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। मजदूरों का वह संख्या जो विभिन्न वेतन दरों पर रोजगार के लिए स्वयं उपलब्ध होगी उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ लेबर्स, यानी कि श्रम की पूर्ति करना इसको कहेंगे। तो आज का ये कंप्लीट हुआ 25 क्वेश्चन। आपका इस वीडियो को देखने के लिए पूरा पूरा धन्यवाद, थैंक यू।